मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संसदीय चुनाव क्षेत्र हमीरपुर से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के पक्ष में तूफानी चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद घुमारवीं पहुंचे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में अनेक स्थानों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफिले को रोककर उनका स्वागत किया। घुमारवीं में पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्थानीय विधायक राजेंद्र गर्ग, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उनके साथ सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। घुमारवीं में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए महागठबंधन को इतिहास की सबसे घटिया तेल पानी की मिलावट का करार दिया, जो कभी भी आपस में तेल पानी की तरह नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि देश के पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। राहुल गांधी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकती है। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के कुवारेपन पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का सोचना कुवारे रहकर देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री बना देगी, मगर ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अलावा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी कई कटाक्ष किए। और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हमारे पास मसाला होना चाहिए, जो उनको जो है मौके पर क्या जवाब देना है, इसकी इसकी हमारे पास तैयारी रहनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व पर अगर आप बात करें, कांग्रेस वहां दूसरे सब लोग दल इकट्ठा होकर के गठबंधन महागठबंधन, और मोदी जी ने उसके लिए क्या कहा, ये गठबंधन महागठबंधन कुछ नहीं है, ये महामिलावट है, महामिलावट। आप कल्पना करिए, मिलावट शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई भी जो है गुण आपस में मिलते नहीं, और ये तो मिलावट भी ऐसी है जैसे पानी और तेल को एक बर्तन में डाल दें, पानी अलग रहता है और तेल अलग रहता है, ना वो पानी पीने लायक रहता है ना वो तेल किसी काम के लायक रहता है। ये सारा गठबंधन का इस पर पिछले दिनों जाकर के वहां पर वेस्ट बंगाल में दीदी ने बुलाए थे, सारे सब इकट्ठा होकर के आ जाओ, महागठबंधन के सारे लोग मंच पर खड़े कर दिए, फोटो खींच लिए, हाथ ऊपर करके जो है मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है, सब मोदी मोदी कह रहे थे। एक कवि ने कहा कि बहुत जमाने के बाद जो है एक जगह एक मंच पर एक समय में थोक के भाव प्रधानमंत्री के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब आप उनकी बात, उनकी भावना, कवि की भावना कवि की होती है, थोक के भाव का अभिप्राय यानी कि उनमें से कोई एक आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हम में से कौन होगा। दीदी अपनी सोचती है, मेरी जिंदगी बहुत निकल गई। राहुल सोचता है कि यार मैंने सारी जिंदगी बिना शादी के गुजार दी। अखिलेश अपनी सोचता है कि मेरा